पे लिखा हुआ है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले बात तो वही, अपन मान लेंगे, माना माना अंश एक्स तथा हर वाई है, तब भिन्न क्या होगी? तब भिन्न 1/2 होगी, ठीक है, क्योंकि भिन्न अंश बटा हर के रूप में होती है। तो अंश की संख्या x मान ली है, हर की संख्या 2 मान ली, भिन्न 1/2 हो गई। तब प्रश्नानुसार देखो तो क्या कह रहा है, भिन्न भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो भिन्न तो 1/y है ही है, वह 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। केवल अंश की बात हो रही, तो अंश से 1 घटा दिया, बाई वैसी है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, इसको सॉल्व तिरछा गुणा कर लेंगे, इसको सॉल्व 3 गुणा इधर हो जाएगा, 3x-3, 3x-3, 3 × 3, और 2 गुणा इधर हो जाएगा 2, ठीक है। इसको करेंगे 3x+ का इधर लेके आएंगे तो -2, ये 3 आता है, माइनस को उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएंगे। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार देखो, पुनः प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो पुनः कह रहा है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा है, यानी जो भिन्न तो 1/2 मानी थी तो 1/2 ही रहेगी, ठीक बच्चों। और वह 1/4 हो जाती है, यानी 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो हर की बात कर ले, केवल हर में जोड़ दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा एक्स का इधर में, ठीक, यहाँ लिख लेते हैं 4 हो जाएगी। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x·4x, इसका गुणा करेंगे तो वही रहेगा 2+8, 1 का गुणा करो। अब इसको करेंगे 4x·2 जाना आएगी, -2 बराबर कितना बचेगा 8। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। समीकरण 1 व 2 को विलोपन से अपन कर देंगे हल। देखो क्या लिखें, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, 3x−2 = 3 और 4x−2 = 8। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण नंबर 2 था। विलोपन से हल करेंगे तो लिख सकते हैं, विलोपन से हल करने पर ठीक बच्चों। देखो ये ऊपर 3 है, समीकरण नंबर 1 में पहले x गुणांक 3 है तो 3 का गुणांक तो इसमें हो जाएगा, और नीचे वाले में 4 है तो 4 गुणांक ऊपर हो जाएगा। 4 गुणा करेंगे 32 12x, 4·1 = 4y, और 32 12, ये भी हो गया। 3 का गुणा करेंगे 3 × 4 12x, 3x·3y = 3y, 3 × 8 = 24, ठीक है बच्चों। ये माइनस से प्लस है, माइनस घटाने पर ये 12x कट गए, ऊपर 4 माइनस का है, 3 प्लस का, तो 3 में से 4 घटा देंगे, 3 में से 4 घटा दिया तो माइनस की बचेगी 1y बराबर, जब 12 में से 24 जाएगा तो माइनस के 12, माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा बच्चों, तो 2 बराबर कितना बचेगा 12। ये 2 की वैल्यू कितनी आ गई 12 बच्चों, ठीक। अब 2 का मान रख देंगे, ये समीकरण नंबर 2 का मान रख देंगे समीकरण नंबर जाके कितने में, 1 में या 2 में कहीं रख देते हो, लिख सकते 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे बच्चों। एक ये लिखा हुआ है 4x−2y = 8, 4x−2 की जगह कितना रख देंगे 12 बराबर हो जाएगा 8, तो 4x = निकालेंगे 8+12, क्योंकि 12 इधर माइनस का उधर जाएगा तो पंचांतर में प्लस का, तो कितना होगा 4x, कितना होगा 12 8 20, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 20/4, 4 से कट जाएगा, एक्स बराबर जाएगी बच्चों 5, एक्स बराबर 5 आएगी। अपन ने भिन्न क्या मानी थी, भिन्न मानी थी 1/2, भिन्न ही पूछा है तो भिन्न अपन ने क्या मानी थी, देखो भिन्न भिन्न थी 1/2, ये लिखा है, भिन्न हो गई 1/2, तो भिन्न तो 1/2 थी, तो यानी x की वैल्यू ऊपर यानी बराबर 5, x की वैल्यू ऊपर और बटे में 2 की वैल्यू नीचे, यानी 5/12, ये हो गई अपने बच्चों आंसर हो गया, ठीक। अगर सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है बेटो। अब देखते हैं सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं तो पहले मेरा नाम भी जान लीजिए, मेरा नाम है अंकित यादव और आप देख रहे हैं सुपर फ्यूचर अकेडमी। अगला लिखा हुआ है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, यदि प्रत्येक व्यक्ति की प्रति महीने में 200 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, तो यहाँ डायरेक्टली मान लेंगे
डायरेक्ट मान के चलते हैं कि मान लो दोनों व्यक्तियों की आय आय क्रमशः 9x तथा 7x है एवं खर्चा कितने अनुपात में दे रहा है, 4:3, एवं खर्चा 4y एवं 3y है, रुपए है। ठीक है, यानी दोनों व्यक्ति हो, जैसा पहला व्यक्ति मान लो, पहले व्यक्ति 9 रुपये कमाता है तो 4 रुपये खर्च करता है मान लो, और दूसरा व्यक्ति 7 रुपये कमाता है, 3 रुपये खर्च करता है। ठीक है, और दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है बचत, बचत कितनी अपनी उनकी 2000 रुपये, यानी दोनों व्यक्तियों की बचत 2000 रुपये। तो देखो, तब प्रश्नानुसार देखो, पहला व्यक्ति है 9 रुपये कमा रहा है, यानी 9x का आय का मतलब होता है कमाना, यानी उसकी पर आय है, पैसों की आय, 9 रुपये कमाता है और चार बाई यानी खर्च करता है, 9x रुपये कमा रहा है, चार बाई रुपये खर्च कर रहा है, तब ये कितना बचा रहा है, 2000 रुपये। ठीक, समीकरण नंबर एक। तथा ये पहला व्यक्ति हो गया, अब दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरा व्यक्ति 7x रुपये कमा रहा है, 7x, और 3y रुपये खर्च कर रहा है, तभी ये कितने रुपये बचा रहा है, 2000 रुपये। समीकरण नंबर दो, समीकरण एक व दो आ गए। अब समीकरण एक और दो को कर देंगे अपने बच्चों विलोपन से हल। देखो कैसे कर देंगे विलोपन से हल, इधर 7 है, 7 का गुणा ऊपर कर लेंगे, 9 है, 9 का गुणा नीचे कर देंगे। ठीक, 7 का करेंगे सान्यम, 63x, 7 चौक 28 बाई, और 7 दुनी 14 14000। 9 का करेंगे 63x, 9 27 बाई, 9 दुनी 18000। ठीक, ये माइनस प्लस और माइनस क्या हो गया, घटाने पर बच्चों, घटाने पर 63 में 63 जाएंगे, कुछ नहीं, ये क्रॉस हो गया, 27 प्लस का 28 माइनस का, 27 में से 28 जाएंगे तो माइनस की 1 बाई, यानी 27 बाई में से 28 बाई जाएगी, यानी घटाएंगे तो माइनस की 2 बचेगी, ऐसे ही 14000 में से 18000 घटाएंगे तो माइनस के 4000, माइनस से माइनस कट गया, 2 बराबर कितना बचा, 4000 रुपये। ठीक बच्चों, अब लिख लेंगे 2 का मान, यानी अब रखेंगे 2 का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, समीकरण नंबर एक लिखा हुआ है 7x माइनस के 3y बराबर 2000। ठीक बच्चों, 7x माइनस 3 गुणा 2 की जगह पर कितने रख देंगे, 4000 रख दिया। अब देखो बराबर में 2000। ठीक बच्चों, अब इधर बता दे रहा हूँ मैं आपको, 7x 36 12000 बराबर में 2000 चल रहा है बच्चों। ठीक है, यानी इसका कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, 36 12000 रुपये हो गए, 2000 रुपये लिखाइए। और जब 7x बराबर वैल्यू निकालेंगे तो 2000 लिखा हुआ है उधर बच्चों, कि 12000 उधर जाएगा माइनस का, तो किस में, प्लस में, जब 7x बराबर निकालेंगे तो 12 2 14000 रुपये हो गए, अब जब x बराबर निकालेंगे तो 14000/7 से कट जाएगा 2 बार, x बराबर वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2000 रुपये। ठीक बच्चों, 2000 रुपये। अब देखो वो क्या पूछा है, तो उनकी मासिक आय, अब आय पूछा है, तो आय क्या थी दोनों व्यक्तियों की, यानी पहले व्यक्ति की आय कितनी थी, पहले व्यक्ति की आय मान ली 9x थी, यानी 9x, तो 9 गुणा x की वैल्यू कितनी, 2000, कितना हो गए, 9 दूनी, यानी ये हो गया 18000। ठीक है बच्चों, अब दूसरे व्यक्ति की
पूछा है दूसरे व्यक्ति की आय कितनी थी, यानी दूसरे व्यक्ति की आय कितनी थी, दूसरे व्यक्ति की अपनी थी 7x आय, 7x, तो 7 × 2000 जी एक्स की वैल्यू तो कितनी इसके हो रहा है, 7 × 2 = 14000 रुपये, यानी दोनों व्यक्ति की आय क्रमशः 18000 रुपये और 14000 रुपये है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, 5 संतरे और 3 सेबों का मूल 35 रुपये है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल 28 रुपये है, तब 1 संतरा 1 सेब का मूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, पहले संतरा दे दिया है, 5 संतरे 3 सेब, तो ऐड कर लेंगे। माना पहले संतरा दिया हुआ है, तो मान लो माना 1 संतरे का मूल्य ₹1 तथा 1 सेब का मूल्य ₹22 है, तब प्रश्नानुसार क्या मान लिया, एक संतरे का मूल्य ₹1 मान लिया अपन ने, 1 सेब का मूल्य ₹22 मान लिया अपन ने, ठीक। तब प्रश्नानुसार क्या क्या आया, देखो 5 संतरे यानी 5 संतरे और 3 सेब यानी 3 सेब दोनों को मिला के कितने रुपए के आए हैं, 35 रुपए के, ठीक। तो एक संतरा कितने रुपए का माना था अपन ने, ₹1 का, तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस सेब कितने माने थे अपन ने, ₹22 के, कितने जाए 3 बाई, टोटल कितना हो गया 35 रुपए। समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखो तथा में क्या दे रहा है, 2 संतरे और 4 सेब, 2 संतरे 4 सेबों का मूल्य कितना है, 28 रुपये, यानी 28 रुपये बच्चों, ठीक है। तो संतरे अपन ने कितने माने थे, संतरे माने थे ₹1 यानी तो 2x प्लस सेब माना था ₹22, तो 4 × 22 = 28। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 बाद हो गया, समीकरण 1 बाद 2 को किससे कर दें अपन, विलोपन से हल लिख देंगे। समीकरण 1 व 2 को विलोपन से हल करने पर बच्चों आप इसे प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, ठीक, किसी भी हल कर दो आप। अब देखो तो यहाँ 2 है, तो 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा और 5 है, 5 का गुणा नीचे वाले में हो जाएगा, तो 2 का करेंगे 2 × 5 = 10x, 2 × 3 = 6 / 70, 35 × 70, ठीक है। अब करेंगे 5 × 2 = 10x, 5 × 20 = 28 140, ठीक। माइनस यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि सारी संख्याएँ प्लस की हैं, घटाने पर दोनों सारी संख्या प्लस की है तो सब जगह माइनस, 10 में से 10 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 6 में से 20 घटाएंगे तो माइनस के 14 बाई, ठीक बच्चों। और जब इसको घटाएंगे 70 में से, तो 40 घटाएंगे तो माइनस के 70 ही बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 बराबर या 70/14 से कट जाएगा 5 बार, 2 बराबर आ जाएगा 5, 2 की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 2 का मान रख देंगे बच्चों अपन कितने में, समीकरण नंबर 1 में 2 का मान, समीकरण नंबर 1 लिखा हुआ है, लिख सकते हो 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 ही लिखा हुआ है, या आप 2 में भी रख सकते हो बच्चों, किसी में रख दो, चाहे 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, तो 5x हम 1 में रख दे रहे हैं प्लस 3y = 35, तो 5x प्लस 3 इंटू 2 की जगह पर कितना रख देंगे बच्चों, 2 की वैल्यू कितनी 5 = 35, तो जब 5x प्लस 15 = कितना हो गया 35 रखा ही है, जब 5x बराबर निकालेंगे बच्चों तो 35 तो उधर लिखा ही, ये 15 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में घट जाएगा,
तो 5x बराबर निकालेंगे 35 में से 15 घटेगा तो 0, 20 बचेगा। जब x बराबर निकालेंगे तो 20 बटे 5, 5 से कट जाएगा 4 बार, x बराबर कितना बचेगा 4। ठीक बच्चों, अब देखो एक संतरे का मूल्य ज्ञात करना था, तो संतरे का मूल्य क्या था? संतरे का मूल्य अब उन्हें क्या माना था? संतरे का मूल्य, संतरे का मूल्य माना था बच्चों एक्स रुपये, यानी कितना माना था? एक्स रुपये। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 4, यानी 4 रुपये हो गया संतरे का मूल्य बच्चों। ठीक, कितना हो गया? 4 रुपये। तो सेब का मूल्य माना था अपन ने, सेब का मूल्य 22 रुपये था, 22 रुपये। तो सेब का मूल्य 22 रुपये माना था, भाई के लिए कितनी है? 5, तो ये 5 रुपये। ठीक है बच्चों, ये दोनों हो जाएंगे अपने आंसर। ठीक बच्चों, अब देखते हैं सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम तथा 3 टिकट यशवंतपुर की खरीदें तो कुल लागत 46 रुपये है, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 74 रुपये है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, तो इसकी भी स्वयं कंडीशन है, स्वयं तरीका वही कर ले कि मान लो पहला मल्लेश्वरम दिए रखा है, तो पहले अपन क्या लगेंगे? पहले मान लेंगे मल्लेश्वरम किराया, मान लो पहले मल्लेश्वरम बोला गया तो मल्लेश्वरम मान लो, माना मल्लेश्वरम का किराया एक्स रुपये तथा फिर यशवंतपुर बोला गया तो यशवंतपुर मान लो, तथा यशवंतपुर का किराया 22 रुपये है। मान लिया अपन ने मल्लेश्वरम का किराया एक्स रुपये तथा यशवंतपुर का किराया 22 रुपये है, कोई दिक्कत नहीं। तब प्रश्नानुसार जो अभी सवाल कर गए उसी की तरह है। तब क्या बोला है? यदि हम 5 टिकट मल्लेश्वरम के, क्या बोला है? यदि हम सॉरी 2 टिकट मल्लेश्वरम के, यानी 2 टिकट की बात कही गई, सॉरी 2 टिकट, तो 2 टिकट तो किस खरीदे थे? मल्लेश्वरम के, यानी एक्स प्लस 3 टिकट यशवंतपुर के, यानी 3 टिकट यशवंतपुर के कितने? 22, यानी तो 3 बाई। अभी सेब और संतरे वाला था उसी तरह, तो कुल लागत यानी कुल रुपये कितना खर्च हो रहा है अपना? 46 रुपये। कोई समस्या? समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। तथा क्या बोला गया है? और अपन बताया है कि 3 टिकट मल्लेश्वरम की, कि 3 टिकट मल्लेश्वरम के 3x हो गए, क्योंकि मल्लेश्वरम का एक्स रुपये माना था, तो 3x जो भी एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक, प्लस 5 टिकट यशवंतपुर के, तो 5 बाई, टोटल खर्चा आ रहा है 74 रुपये। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 बार 2 को अपन विलोपन से कर लेंगे हल। देखो करें, देख सकते हो समीकरण 1 बार 2 को हल करने पर, 1 बार 2 को हल करने पर 3 है, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर, 2 है, 2 का मल्टीप्लाई नीचे। 3 का करेंगे 3 दूनी 6x, प्लस 3 तरक 9 बाई, और 3 गुणा करेंगे 3 6 18 की 8, 3 4 12 1 13, नहीं 138। 2 का करेंगे 6x, 2 5 10 बाई, और 2 गुणा करेंगे 2 4 8, 2 7 14, 148। अब ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि सारी संख्या नीचे, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, तो माइनस आ जाएगी, ये प्लस की तो माइनस। क्या लिख देंगे? घटाने पर, घटाने पर। तो देखो बच्चों, अब 6x में से 6x घटाएंगे अपन, तो 6x में से ये 6x कट जाएगा, कुछ नहीं बचा। 9 बाई में से 10 बाई जाएगा, घटाएंगे यानी 9 बाई में से 10 बाई घटाएंगे तो माइनस की बाई बचेगी एक, बराबर 138 में से 148 घटाएंगे तो माइनस के 10 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगी, यानी बाई बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 10, यानी बाई की वैल्यू आ जाएगी 10, कोई दिक्कत। अब बाई का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने, एक क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस के 3y बराबर 46, ये लिखा हुआ है 2x प्लस के 3y बराबर 46, ये समीकरण नंबर 2 लिखा हुआ है। अब देखो 2x प्लस 3 इंटू बाई की जगह पर कितना रख दिया? 10, बराबर कितना आ गया? 46। तो 2x प्लस 3 का गुणा का है 3 धम 30 बराबर 40,
तो 2x बराबर निकाला तो 46 से 30 उधर माइनस में जाएगा, तो 2x बराबर 46 में से 30 घट जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 16। जब 16 बचेगा तो 2x बराबर कितना बचा 16, ये 16 ही है। जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 16 बटे में दो दो से कट जाएगा 8 बार, यानी तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ठीक बच्चों, अब देखो मल्लेश्वरम का किराया कितना था, यानी मल्लेश्वरम का किराया, मल्लेश्वरम का किराया था अपना एक्स रुपए, तो एक्स की वैल्यू आएगी बच्चों 8 रुपए। ठीक टिकट यशवंतपुर का किराया था, यानी यशवंतपुरम का किराया था बच्चों 22 रुपए, तो 22 की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी 10 रुपए। तो ये अपने दोनों हो जाएंगे इसके अंतर। ठीक, सवाल अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, आप शेयर नहीं करते हो वीडियो को, शेयर किया करो। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज़ आप सीख लीजिए, अब आपको सिखाएंगे वज्रगुणन विधि, यानी वज्रगुणन विधि। ठीक, वज्रगुणन विधि, तो एक चीज़ जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इसमें समीकरण होते हैं वो ए वन एक्स प्लस बी वन बाई बराबर सी वन और ए टू एक्स प्लस के बी टू बाई बराबर सी टू के रूप में होते हैं। इसको अपने एक मानते हैं या इसको दो मानते हैं या तीन विचार कुछ भी मान सकते हैं, ये समीकरण के रूप में होते हैं बच्चों। ठीक, तो इसको देखो कैसे करेंगे, अब इसकी अगर ये होता है ठीक, ये कंडीशन होती है, या फिर ये ऐसे भी लिखे होते हैं, कुछ भी कंडीशन लिखे दे बराबर में जीरो लगा देगा ये सी, इधर आएगा माइनस का। तो देखो पहली नंबर कंडीशन ए वन बटा ए टू बराबर आ जाए क्या बी वन बटा बी टू, या ये नहीं हो ए वन बटा ए टू बराबर नहीं हो बी वन बटा बी टू, तो क्या होगा अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। अगर ए वन बटा ए टू नंबर एक कंडीशन है, ए वन बटा ए टू बराबर नहीं हो बी वन बटा बी टू, यानी ए वन बटा बी टू ए टू नॉट इजल टू बी वन बटा बी टू, तो क्या होगा अद्वितीय हल। जब अद्वितीय हल होगा तो एक कंडीशन वाला है, अद्वितीय हल को सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसका सूत्र अभी आपको बताएंगे क्या होता है, एक्स बटे बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, एक्स बटा होती बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बराबर होती है, और बाई बटे में होती है बाई, अब सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन। ठीक बच्चों, अब अगले नंबर की कंडीशन जाती है, अगले नंबर की माइनस वन बटा माइनस एक बटे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये कंडीशन होती हैं। अगर अद्वितीय हल आएगा तो उसके अपने ये फॉर्मूला लगाएंगे, इससे भी अपने एक्स वाई के मान निकाल सकते हैं। नंबर दो कंडीशन आती है ए वन बटा ए टू बराबर हो बी वन बटा बी टू, बराबर नहीं हो क्या सी वन बटा सी टू, सी वन बटा सी टू, तो क्या होगा, तो कोई हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा, निकाय का कोई हल नहीं होगा। ठीक, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। नंबर तीन कंडीशन जाती है ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर होती है सी वन बटा सी टू, तो ये होते अनेक अनंत हल होंगे, अनेक अनंत हल होंगे। ठीक ठीक है, अगर ए वन बटा ए टू दिया है तो अद्वितीय हल होगा, इसके लिए सूत्र दिया हुआ है, और कोई हल नहीं होगा ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर नहीं है नॉट इजल टू सी वन बटा सी टू, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। फिर आती है नंबर तीन पर कंडीशन ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर हो सी वन बटा सी टू, तो अनेक अनंत हल होंगे। इतना चीज़ क्लियर है, तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पर अपनी पे, समीकरण क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न देखिए कि समीकरण युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमेय रूप से अनेक हल है, अद्वितीय हल की स्थिति में वज्रगुणन उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर लिखा हुआ है, तो क्या है देखो एक्स माइनस तीन वाई यानी माइनस के तीन बराबर जीरो, और क्या लिखा हुआ है तीन एक्स माइनस के नौ वाई माइनस दो बराबर जीरो, तो इसको अपने हल कर रहे हैं, यहाँ से हल कर दे रहे हैं हम। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस तीन वाई बराबर तीन मान लेंगे समीकरण नंबर एक, और तीन एक्स माइनस के नौ वाई बराबर दो मान लेंगे समीकरण नंबर दो। फिर लिखेंगे अपन ए वन एक्स बताया था अभी मैंने, बी वन वाई बराबर होता है सी वन, समीकरण नंबर इसको तीन मान सकते हैं। फिर मानेंगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर होता है सी टू, समीकरण नंबर इसको मान लेंगे चार। देखिए बच्चों ये दो समीकरण सवाल में दिए होते हैं, दो अपन को अभी बता के गए थे, जो सूत्र फॉर्मूला होता है उसके आधार पे इसको मान लेते हैं अपन। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण
एक वा दो की तुलना, समीकरण तीन वा चार से करने पर समीकरण एक व दो, समीकरण एक व दो की तुलना समीकरण तीन व चार से करने पर। तो देखो बच्चों कैसे करते तुलना, अब आप यही एक लॉजिक है यहाँ पे निकालना सीख जाएगा आपको बहुत बहुत जल्दी। देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पे ए वन है, इसकी जगह पे ए वन की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है ऊपर वाले में। तो वो पहले वाली की पहली वाली से देखेंगे, यानी एक वाले को तीन से कंपेयर करेंगे और दो वाले करेंगे चार से। तो यहाँ पे ए वन की जगह पे कुछ नहीं है, तो हमेशा ए वन का मान एक मान लें, कुछ नहीं वहाँ, ए वन वैल्यू बराबर एक, तो ए वन की वैल्यू हमेशा एक बन जाएगी, कॉमा लगा लेंगे। यहाँ पे अब देखेंगे ऊपर वाला, ये बाई बाई लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है बी वन, यहाँ पे लिखा है बी वन के माइनस के तीन, ठीक है, प्लस का होगा तो प्लस का लिख लेंगे, अगर माइनस का होगा तो माइनस का। तो बी वन की जगह पे कितना लिखा हुआ है, माइनस के तीन, कॉमा सी वन की जगह पे सीधा लिखा हुआ है, सी वन की जगह पे लिखा हुआ है बच्चों तीन। अब देखो पहले वाला कर लिया, अब दूसरी वाले देखेंगे, यानी दूसरे वाला दूसरे के साथ में देखेंगे, यानी दो वाला चार के साथ में, यहाँ ए टू एक्स लिखा हुआ है या तीन एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स एक्स लिखा है, यहाँ पे ए टू की जगह पे कितना लिखा हुआ है तीन, तो ए टू की वैल्यू हो गई तीन, कॉमा बी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के नौ, बी टू की वैल्यू माइनस के नौ, कॉमा सी टू की वैल्यू हो जाएगी दो, कोई दिक्कत नहीं, सी टू की वैल्यू दो। यहाँ अब यहाँ पे चेक करेंगे अपन, क्या ए वन बटा ए टू पहले चेक करेंगे कितना वैल्यू, एक बटा तीन है ए वन बटा ए टू। अब चेक करेंगे बी वन बटे बी टू कितनी है, माइनस के तीन बटा माइनस के नौ, यानी बी वन का मान रख दिया ऊपर, नीचे बी टू का मान रख दिया, माइनस से माइनस कट गया, तीन एकम तीन, तीन तरक नौ, कितनी आ गई, ये भी आ गई एक बटा तीन, ये दोनों मान बराबर आ गए। अगर दोनों मान बराबर आ जाएँ तो सी वन वाला भी चेक करेंगे, सी वन बटा सी टू कितना है, तीन बटा दो, ये नहीं क्रॉस नहीं हो रहा है। तो देखो आप सवाल कैसे करते हैं जब क्रॉस नहीं हो रहा है बच्चों, तो देखिए ए वन बटा ए टू किसके बराबर आ रहा है, बी वन बटा बी टू के, यानी बी वन बटा बी टू के। जब ये मान दोनों बराबर होते हैं तब तीसरे नंबर की कंडीशन क्या लिखती है, सी वन बटा सी टू, क्या लिखते हैं, सी वन बटा सी टू, क्या सी वन बटा सी टू इन दोनों मानों के बराबर है, सी वन बटा सी टू इन दोनों मानों के बराबर नहीं है, ये दो बराबर ये बराबर नहीं है, ये कंडीशन हो गई। तो ये हमने अभी कंडीशन क्या बताया था, निकाय का कोई हल नहीं होगा, यानी जो समीकरण है इसको निकाय बोलते हैं, तो लिख सकते हैं वो निकाय का कोई हल नहीं होगा। ठीक बच्चों यही अपन इसका आंसर कर देंगे, ठीक, कोई हल नहीं होगा, या अनेक अनंत हल होंगे तब भी यही करेंगे, अद्वितीय हल होगा तो उसको अपना आगे निकालेंगे, तो अभी आपको बताएंगे वीडियो में आगे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो 2x प्लस की y बराबर 5, और लिखा हुआ है 3x प्लस की 2y बराबर 8। इसको समीकरण नंबर एक मान लो, इसको समीकरण नंबर दो मान लो, समीकरण एक बार दो हो गए। अब लिखेंगे वही ए वन एक्स प्लस बी वन वाई बराबर सी वन, समीकरण नंबर इसको तीन मान लेंगे, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू, समीकरण नंबर चार मान लेंगे। देखो जब बजगुणन से हल करना है तो इतना तो हमको करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण एक व दो की तुलना समीकरण तीन व चार से करने पर। देखो वही अब ए वन तुलना कर रहे हैं, तो देखो बताया था मैंने पहले वाले का हमेशा पहले वाले से करते हैं, पहले वाले का हमेशा पहले वाले से। तो देखो एक्स एक्स है, यहाँ ए वन की, यहाँ ए वन है वहाँ पर कितना है दो, तो ए वन की वैल्यू कितनी हो गई दो, यहाँ बी वन है तो बी वन की जगह पे, यहाँ पे देखो बाई के बगल में कुछ नहीं है तो हमेशा एक मानते हैं, तो बी वन की वैल्यू हो गई एक, और सी वन की वैल्यू दी हुई है कितना है, सी वन की पाँच। ठीक बच्चों ए टू की कितनी दी हुई है तीन, नीचे वाला देखेंगे, नीचे वाला है तो नीचे वाला देखेंगे, यानी दो का चार का कंपेयर करते हैं, तो ए टू की जगह पर कितना है तीन, कॉमा बी टू की वैल्यू दो, और सी टू की वैल्यू कितनी है आठ। कोई समस्या बच्चों इतने में, अब देखो वही निकालेंगे अपन, पहले ए वन की मान वैल्यू निकालेंगे, ए वन बटा ए टू निकालेंगे, ए वन का मान कितना है दो और ए टू का मान कितना है तीन,
अब निकालेंगे अपन बी वन की वैल्यू, कॉमन निकालेंगे बी वन बटा बी टू की वैल्यू। बी वन का मान कितना है एक, बी टू कितना है दो। देखो ए वन बटा ए टू यानी ए वन बटा ए टू और बी वन बटा बी टू दोनों की मान बराबर नहीं आए हैं, तो यहीं तक छोड़ेंगे। जब दोनों मान बराबर नहीं आएंगे तो यहीं करेंगे, अगर दोनों के मान आए बराबर आ गए होते तो सी वन बटा सी टू निकालते, अंत अपन सी टू वन सी वन बटा सी टू नहीं निकालेंगे बिल्कुल भी। अगर ये दोनों मान बराबर होते तो अपन सी वन बटा सी टू निकालते। अब देखो यहीं पे देखिए ए वन बटा ए टू बराबर नहीं आया क्या बी वन बटा बी टू, तो क्या बताया था निकाय का अद्वितीय होगा, काय का अद्वितीय हल होगा, निकाय का अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय होता है तो हमने कंडीशन बताई थी, कंडीशन क्या थी एक्स बटे बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ये फॉर्मूला तैयार रखिए। तो होती है वाई बटे सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन बराबर माइनस की वन बटे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक ये कंडीशन होती है अपनी, हमें अभी बताया गया है इसको याद रखना। जब अद्वितीय हल होगा तो अपना ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर निकाय का कोई हल नहीं होता या नहीं करना था तो यहीं तक छोड़ देते हैं अपन, ठीक। जब अद्वितीय हल है तो इसको आगे निकालेंगे क्योंकि इसमें एक्स और वाई का वैल्यू आएगा। देखो एक्स बटे आप ज़्यादा ठीक से देखना, यहाँ बी वन लिखा हुआ है तो पहले बी वन की वैल्यू कितनी एक गुणा लगा लेंगे, सी टू लिखा हुआ है सी टू की वैल्यू कितनी आठ माइनस, बी टू लिखा हुआ है बी टू की वैल्यू कितनी दो इंटू सी वन की वैल्यू पाँच बराबर बाई अपॉन सी वन की वैल्यू कितनी है पाँच, पाँच लिख लेंगे अपन इंटू ए टू की वैल्यू तीन माइनस सी टू की वैल्यू आठ ए वन की वैल्यू बराबर माइनस की वन बटे ए वन की वैल्यू दो बी टू की वैल्यू दो माइनस ए टू की वैल्यू तीन इंटू बी वन की वैल्यू वन। कोई समस्या इतने बच्चों, अब देखो वही एक्स बटा वही एक्स बटे में लिख लेंगे आठ एकन आठ माइनस दो पन्न दस बराबर बाई बटे पांतियों पंद्रह माइनस आठ दूनी सोलह, कोई समस्या बराबर माइनस वन बटे दो दूनी चार तीन एकन तीन, कोई समस्या इतने में। अब देखिए कैसे करते हैं इसको, एक्स बटा लिखा हुआ है तो एक्स अपॉन आठ में से दस घटाएंगे तो माइनस के दो बचेगा बराबर बाई बटे पंद्रह में से सोलह घटाएंगे तो माइनस की एक बचेगा, ठीक बच्चों बराबर माइनस एक बटे चार में से तीन घटाएंगे तो हमेशा एक बचेगा। अब क्या करेंगे पहले वाले दो हल कर लेंगे, पहले वाले दो रख ले से यहाँ पे लॉजिक या फिर डायरेक्टली लॉजिक बता दें कि एक्स का मान अगर माइनस में आ रहा है तो प्लस में रख देंगे, प्लस में आ रहा तो माइनस में रख देंगे, लेकिन ये कुछ नहीं है अपन उसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं, देखो दो दो पहले ये वाला और ये वाला लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक। एक्स माइनस के दो बराबर माइनस की एक बटा एक, तिरछा गुणा कर लेंगे एक्स एकन तिरछा गुणा करेंगे एक्स एकन एक्स बचेगा और दो एकन दो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, एक्स वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाले दोनों कर लेंगे यानी बाई माइनस वन बटा वन क्रॉस मल्टीप्लाई, एक का गुणा करेंगे बाई बाई एकन बाई और माइनस माइनस का एक का गुणा करेंगे एक एकन एक माइनस माइनस प्लस, तो बाई की वैल्यू एक और एक्स की वैल्यू दो, ठीक बच्चों यही अपना क्या हो जाएंगे इसमें आंसर, बाई की वैल्यू एक आएगी एक्स वैल्यू सॉरी बाई की वैल्यू एक एक्स वैल्यू दो, ये अपने आंसर हो गए। तो ये है बीजगणित विधि, ये सवाल आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से आप बैक कर सकते हैं वीडियो और इसमें देख सकते हैं तरीके से, ठीक है। ये वज्रगुणन विधि से अगर कोई सवाल आपको दिया जाता है कि समीकरण आपको ये वज्रगुणन विधि से हल करना है यानी वज्रगुणन विधि से, तो आपको यही करना है यानी वज्रगुणन विधि यही वाली, और प्रलोपन और प्रस्थापन विधि हम आप पीछे बता ही चुके हैं तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक। ये वज्रगुणन विधि है, ये भी आपको बहुत तरीके से बता दिया। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अपना, देखो चार एक्स प्लस पी वाई प्लस आठ बराबर जीरो, और लिखा हुआ है दो एक्स
प्लस 2y प्लस के 2 बराबर 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, सॉल्व कर देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x प्लस के पी वाई, हल कर दिया अपन ने सॉल्व, 4x प्लस की वाई बराबर माइनस के 8। और इसको लिख सकते हैं 2x प्लस की 2y बराबर माइनस के 2, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। वही कंडीशन a1x प्लस b1y बराबर c1, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। a2x प्लस b2y बराबर c2, समीकरण नंबर 4। इतना कर लिया। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 3 व 4 से करने पर, 3 व 4 से करने पर, 3 व 4 से कर दिया, ठीक। तो देखो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, कॉमा b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी p, क्योंकि यहाँ पे b1 की जगह p चल रहा है, और c1 की वैल्यू माइनस के 8। a2 की वैल्यू 2, कॉमा b2 की वैल्यू 2 है, और c2 की वैल्यू भी माइनस के 2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अपन को कंडीशन सवाल में देखो लिखा हुआ है, कंडीशन दे रखी है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म अद्वितीय हल होंगे, यानी जब अद्वितीय हल होंगे, पहले बोल दिया है अद्वितीय हल होगा जब होंगे, है ना, होंगे या होगा अद्वितीय होगा, क्या करनी समझती, a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2, अद्वितीय हल की ये वाली कंडीशन होती है। तो यहाँ पे मान पुट कर दो सीधा, 4/2 बराबर नहीं है क्या p/2, ठीक। यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 से 2 से नीचे क्रॉस कर लो, तो p की वैल्यू डायरेक्ट 4 आ जाएगी, p नॉट इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक। या फिर यहाँ एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हो, क्या दूसरा तरीका क्या है, देखो हम वो भी बता दें आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 चौक 2p 1 2p, और 2 चौक हो जाए कितना हो जाएगा 8। जब 2 से जब p की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो नॉट इक्वल टू 8/2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, तब भी p की वैल्यू आ जाएगी नॉट इक्वल टू 4, यानी ये अपना हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे, अभी करा गए वैसे ही क्वेश्चन ये है, तो इसको भी अपन लिख सकते हैं, हल डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, इस स्क्रीन पर आपको सवाल लिख रहा है, जैसा भी लिखा है इसको मतलब लिख सकते हैं, kx प्लस 3y, ये माइनस की संख्या बराबर ले जाएंगे तो प्लस में जाएगी, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इन k माइनस 3 प्लस में आ गया, ठीक है, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर लगी थी हट गया, यानी k माइनस 3, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या लिखा हुआ है, 12x प्लस के वाई बराबर, ये के माइनस का उधर में प्लस का जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब मानेंगे a1x प्लस b1y बराबर c1, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा ये, a2x प्लस b2y बराबर c2, समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देना, 1 व 2 की तुलना समीकरण 3 व 4 से कर देंगे, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी k, b1 की वैल्यू 3, कॉमा c1 की वैल्यू k माइनस 3। अच्छा a2 की वैल्यू 12, कॉमा b2 की वैल्यू k, कॉमा c2 की वैल्यू k, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब देखो क्या बोले गए, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कंडीशन दी है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब ये बोल दिया गया अनेक हल होंगे, तो अनेक हल में क्या कौन सी कंडीशन होती है अपने बच्चों, अनेक हल में कंडीशन होती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, तभी तो अनेक हल होते हैं, बताया था अभी आपको। तो a1 की वैल्यू रख दो कितनी है, k बटे में रख देंगे कितना 12 बराबर, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू k बराबर, c1 की वैल्यू k माइनस 3 और c2 की वैल्यू k, कोई समस्या। आप इनमें क्या करेंगे, 2-2 करके हल कर लेंगे, पहले वाले ये वाले दो पद, फिर ये वाले दो, पहले ये वाले दो लेंगे, ठीक है, पहले ये वाले दो पद हल करेंगे, पहले ये वाले दो पद, यानी k बटे 12 बराबर 3/k। यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, के का के में गुणा करेंगे तो के स्क्वायर, और 12 3 36, ठीक है बच्चों। जब के बराबर निकालेंगे तो रूट के अंदर 36 आ जाएगा,
रूट के अंदर 36 आ गया, जबकि 36 का वर्गमूल लेंगे तो बच्चों ये 6 आएगा, ठीक है 6। अब आखिरी दो पद हल कर लेंगे, ये वाले क्या था, 3 बटा के बराबर के माइनस 3 बटा के, ठीक है बच्चों इसको हल करेंगे तो इसको भी वही, तो इसमें क्या करेंगे, ये दोनों के नीचे दोनों के कट गया, इन 3 बराबर के माइनस 3 बचा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इधर लेके आएंगे 3, जब 3 ये माइनस का इधर लेके आएंगे तो प्लस में आएगा, बराबर के रह जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका भी 6 आ जाएगा के बराबर, ठीक है बच्चों। चाहो तो अपनी यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, या ये अभी निकाल दो, दोनों ही आंसर हो गए बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं सवाल आगे, क्वेश्चन लिखा है स्क्रीन पे, के किस मान के लिए निम्नलिखित रेखीय युग्म समीकरण को युग्म का कोई हल नहीं होगा। सवाल लिखा हुआ है अपना, देखो क्वेश्चन लिखे हुए 3x + y = 1, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। फिर लिखा हुआ है 2k - 1 और x, ठीक, +k - 1 y, और लिखा हुआ है 2k + 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। वही a1x b1y = c1, समीकरण नंबर 3, a2x + b2y = c2, समीकरण नंबर 4। इतना करते हैं, वही समीकरण 1 व 2 को 1 व 2 की तुलना समीकरण नंबर 3 व 4 से कर देंगे। देखो a1 अब डायरेक्ट यहाँ पे मान रख दे रहा हूँ आपको, वही लिखना है, समीकरण 1 व 2 की तुलना समीकरण 3 व 4 से करने पर a1 की अगर कितना है 3, यानी a1 वैल्यू कितनी है 3, कॉमा b1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं y के बगल में तो 1, और c1 की वैल्यू 1। a2 की वैल्यू देखो यहाँ पे x है, x के बगल में कितना है 2k - 1, यहाँ a2 है, यहाँ पे 2k - 1 है, तो 2k - 1 ही रख लेंगे, कॉमा b2 की मान y है, b2 की जगह कितना चल रहा है k - 1, तो k - 1 लिख लेंगे अपन, ठीक बच्चों k - 1। c2 की जगह पर रख लेंगे अपन c2, यानी 2k + 1, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखा हुआ है सवाल में युग्म का कोई हल नहीं होगा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, लिख लेंगे युग्म का कोई हल नहीं होगा, युग्म का कोई हल नहीं होगा। जब युग्म का कोई हल नहीं हो रहा है तो उसमें के का मान पूछ रहा है, तो क्या होती कंडीशन, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होती क्या c1 बटा c2, मान रख देंगे 3 बटे 2k - 1, a1 का मान रख दिया नीचे, a2 का मान रख दिया बराबर, b1 का मान 1 और b2 का मान नीचे k - 1 ≠ c1 का मान 1 और c2 का मान 2k + 1। अब पहले दो पद हल कर लेंगे, ठीक है, लिख सकते यहाँ पर लिख भी सकते हैं पहले दो पद हल करने पर, तो क्या लिखा है 3 बटे लिख दो यहाँ पे, पहले दो पदों को हल करने पर, पदों को हल करने पर 2k - 1, ठीक है बराबर 1 बटा k - 1, यही तो है बच्चों। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तिरछा गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, k - 1 का इधर 3 में हो जाएगा k - 1, 1 का उधर हो जाएगा यानी 2k - 1, 3 करेंगे 3 के 3 एकन 3, ये रहेगा 2k - 1 ही रहेगा। अब देखो k इधर लाएंगे और संख्या उधर ले जाएंगे, तो 3k ये 2k+ का है, -2k इधर माइनस में आ गया बराबर, माइनस का 1 एक रह गया, ये 3 गया उधर में प्लस में, ठीक बच्चों। अब देखिए 3k में से 1 घट गया, 3 में से 2 गया तो 1k बचेगा दोस्तों बच्चों, ठीक, और 3 में से 1 घट जाएगा ये माइनस का तो 2 बचेगा, ठीक है, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 बच्चों, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। k का ही मान पूछा था तो k का मान ये अपना 2 हो गया, ये आंसर हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x + 3y = 7, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। लिखा है a - bx +
ए प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2 समीकरण, इसको 2 मान लेंगे बच्चों, ठीक है। समीकरण एक हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई बराबर सी वन समीकरण नंबर 3, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू समीकरण नंबर 4, ठीक। याद हो गया बच्चों, ये सवाल है ना आज की क्लास का आखिरी सवाल, और पार्ट 3 का भी आखिरी सवाल है, ठीक। इसके बाद अपन 4-5 स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखो अगले इसको भाई समीकरण 1 व 2 की तुलना समीकरण 3 व 4 से कर देंगे, 2 की तुलना समीकरण 3 व 4 से करने पर उस तरह हो जाएगा। अगर 3 व 4 से करेंगे, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू a माइनस बी, b2 की वैल्यू a प्लस बी, c2 की वैल्यू 3a प्लस बी माइनस 2। इतना हो गया, कोई समस्या? अब देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो लिख लेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे ठीक, अनेक हल हो गए। अब देखिए तो अनेक हल की कंडीशन क्या होती है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये होती है। अब देखो, देखिए a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की a माइनस बी, b2 की वैल्यू 3, b2 की a प्लस बी बराबर c1 की 7, c2 की 3a प्लस बी माइनस 2 हो गया। अब पहले दो पद हल कर लेंगे, पहले दो पद हल करने पर, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत सरल है, लेकिन थोड़ा बड़ा सा है, बहुत सरल है, आखिरी सवाल है इसका। देखो पहले दो पद जाइए, 2a माइनस b बराबर 3 बटा a प्लस b, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इधर में, इसका इधर में, तो 2 का गुणा हो जाएगा किसमें, a प्लस बी में, 2 का गुणा a प्लस बी में बराबर 3 का गुणा a माइनस बी में, ठीक बच्चों। अब थोड़ा इधर देखते हैं, 2 का a में गुणा करेंगे 2a और 2b, यानी 2 में गुणा 2a हो जाएगा प्लस के 2b, क्योंकि 2 का गुणा a में भी होगा और 2 का गुणा b में भी होगा बराबर 3a माइनस 3b, यानी 3a माइनस 3b। अब a भी इधर लेके आएंगे, ठीक है, ए भी इधर लेके आया हो या फिर उधर भी ले सकते हो, देखो आप इधर कर लो या उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बी इधर लाएंगे 2b प्लस के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी बी इधर 2b 3b माइनस का इधर लाएंगे प्लस में 3b बराबर 3a लिखा हुए, ये ले जाएंगे तो उधर में हो जाएगा माइनस की 2a, तो 3 और 2 5 भी हो जाएगा बराबर में 3 में से 2 जाएगा 1, या फिर ऐसे अब एक उधर बी उधर ले जाएंगे तो इधर 0 बचेगा, a माइनस 5 भी बचेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस 5 भी बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 5, समीकरण 5 मान लेंगे। अब देखो अब ये वाले दो आखिरी पद हल करेंगे, यानी आखिरी दो पद हल में, यानी आखिरी दो पद हल करने, जब आखिरी दो पद हल करते हैं बच्चों देखो क्या करेंगे, इसमें यही है 3 बटे a प्लस b बराबर 7 बटे 3a प्लस की b माइनस 2, यही है। देखो बच्चों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का गुणा इधर में हो जाएगा, 3 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस माइनस 2 में, और 7 का गुणा a प्लस b में, तो पहले 3 का गुणा कर दिए किसमें, 3a प्लस b माइनस 2 में, अब 7 का गुणा हो जाएगा ए प्लस बी में, कोई दिक्कत बच्चों, कोई समस्या? अब देखो 3 गुणा 3 तरक, यानी 9a प्लस 3b 3 दूनी 6 बराबर 7a प्लस की 7b, ए भी इधर लेके आएंगे तो 9a प्लस 3b लिखा हुआ है, ठीक है,
अब जब 7 इधर लाएंगे तो माइनस के 7 हो जाएगा, ये बी भी लाएंगे तो माइनस की 7 भी, ये 6 उधर पहुंचा देंगे माइनस का है तो प्लस में, ये ए भी इधर ले आए माइनस में और 6 उधर पहुंचा दिया प्लस में, 9 ए में से 7 घट जाएगा तो 2 ही बचेगा बच्चों, 3 बी में से 7 भी घटेगा, 3 बी में से 7 भी घटेगा तो माइनस के 4 बी बचेगा, बराबर में कितना बचेगा 6, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा ये 6। कोई समस्या बच्चों? अब देखते हैं समीकरण 5 व 6 को विलोपन से करेंगे हल, ए बी का मान पूछना है बस थोड़ा सा बड़ा आए, अब देखना इधर करते हैं अपन, देखो समीकरण 5 लिखा हुआ है बच्चों, ए माइनस 5 बी बराबर 0, ये समीकरण नंबर 5 है, 6 लिखा हुआ है 2a माइनस की 4b बराबर 6, ये समीकरण नंबर 6, ये दो समीकरण लिखे यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 व 6 को विलोपन सेल में किससे भी कर दो करने पर विलोपन सर करेंगे तो यहाँ पे 2 है, 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 2 कुछ कुछ नहीं 1 है तो 1 का गुणा नीचे, 2 का गुणा करिए 2a, 2 पंज 10 भी, 2 गुणा 0 में करेंगे 0, शून्य में यानी जो गुणा शून्य में करेंगे शून्य, 1 का गुणा करेंगे तो 2a, 4b एकन 4b, 6 एकन 6, ठीक है बच्चों? ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, क्या लिख देंगे घटाने पर, 2 में 2a में से 2a घटेगा कुछ नहीं कट जाएगा क्रॉस हो जाएगा, 4 प्लस का है 10 माइनस का है, 4 में से 10 कटाएंगे, 4b में से 10b, 4b में से 10b जाएगा तो माइनस के 6b बचेंगे, बराबर ये माइनस का 6 बचेगा, माइनस से माइनस 6 एकन 6, बी बराबर कितना बचेगा, कोई समस्या? बी का मान दोस्तों, बी का मान समीकरण नंबर कितने में रख देंगे, 5 में, 5 में रखने पर, समीकरण नंबर 5 में रख दिया, इस सवाल का यही हल है, कोई दूसरा हल नहीं है, इसी तरह से होना है, इससे कोई शॉर्ट तरीका नहीं, कोई छोटा सवाल नहीं है, कोई भी तरीका, ठीक। अब देखो 5 ये लिखा हुआ है a माइनस 5b बराबर 0, ये तो लिखा हुआ है a माइनस 5b बराबर 0, तो a माइनस 5 इंटू बी की जगह पे कितना रख देंगे 1 बराबर में 0, a 5 एकन 5 बराबर 0, जब a बराबर निकालेंगे तो 5 माइनस का इधर जाएगा 0 में जुड़ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस में जोड़ेंगे 5 ही रहेगा, बच्चों ए की वैल्यू 5 आ गई और बी की वैल्यू 1 आ गई, ये दोनों ही अपने आंसर हो गए। अगर पूरा सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके जरूर बता देना बच्चों, ठीक। और ये आज 3 पार्ट अपना ख़त्म करते हैं, आज आगे से 4 पार्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो आप 4 पार्ट देखना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। अब मिलेंगे अगली क्लास में बच्चों, जय हिंद।